नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने संचालन समिति का गठन कर निकाय चुनावों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बैठकों की शुरुआत कर दी है और समिति का संयोजक पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को बनाया गया है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने और तैयारियों से जुड़े सवाल पर पूर्व मंत्री गुप्ता ने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। निकाय चुनाव के लिए स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र के साथ साथ एक राज्य स्तरीय घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें निकायों में किए गए विकास कार्यों को बताया जाएगा। साथ भविष्य में निकायों के विकास को लेकर जो योजनाएं हैं उसके आधार पर वोट मांगेंगे। वहीं उमाशंकर गुप्ता ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ ने तो निकायों को क्षतिपूर्ति की राशि देना ही बंद कर दिया था। पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगरीय निकाय की दशा जिस प्रकार से बदली है उसको लेकर आगे 5 साल हम क्या करेंगे। अब आप एक ही कल्पना करिए कि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, नगरीय निकायों को क्षति पहुंचाने के लिए कमलनाथ जी ने क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी, जो लगातार हम बढ़ाते जा रहे थे उतनी रखने की बजाय 40% तक क्षतिपूर्ति की राशि कम कर दी थी। जिस प्रकार का विकास ठप किया था, इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जाएंगे।